आज तो फादर्स डे है। हाय गाइस, मैं जब भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलती हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं ये देखती हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं मेरे डैड के बारे में। एंड आज फादर्स डे है तो मैंने ये बहुत मुश्किल से डिसीजन लिया, और तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट मैंने सोचा कि आज फादर्स डे है तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ सब कुछ मेरे डैड के बारे में। तो गाइस, जब मैं बोर हुई थी ना, ये मुझे पापा ने बताया था कि मेरे डैड ने अपने सारे फ्रेंड्स को पार्टी थोकी थी और घर में भी एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। ही वाज सो हैप्पी कि मेरी डॉटर हुई है एंड हमारी बॉन्डिंग बहुत 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 अच्छी थी। और फिर जैसे मेरे पास ना, मतलब मैं चाहे एक भी चीज़, जैसे मेरे को लिप बाम भी पसंद आता होगा ना, तो वो पूरा उसका पैक खरीद लेते थे, चाहे उसमें 24 हो, चाहे उसमें 30 हो, चाहे जितनी भी हो, बस उनको पूरा पैक खरीदना मेरे लिए। और जब मैं छोटी थी ना, मेरे पास एक ऐसा भी टॉय नहीं था जो मेरे पास था नहीं, सारे टॉयज। और जब मुझे एक बार्बी पसंद आती थी ना, तो उन्होंने सारे टाइप्स की बार्बी ले ली थी मेरे लिए। और मुझे बहुत सारे डॉल हाउस भी पसंद थे तब, तो मेरे पास सारे साइज़ के, छोटा, सबसे छोटा, बड़ा, एकदम मीडियम, सारे साइज थे। एंड हम लोग बहुत 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 फन करते थे एक साथ। एंड फिर हम लोग ट्रिप पे गए थे, मुझे तब ये सारे डिज्नी प्रिंसेसेस एंड सब बहुत पसंद थे, तो वो स्पेशल ट्रिप पे लेके गए थे मुझे हांगकांग पे। एंड हम वहाँ पे डिज्नीलैंड पे गए थे, एंड मुझे लगता था कि जो डिज्नीलैंड पे जो वो लोग हैं ना, दे वर रियल डॉल्स, इन्हीं यही मार्केट में बेचते हैं। एंड तो फिर हम गए थे, मैंने सबके साथ फ़ोटोज़ खींची, मैं बहुत 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 खुश थी। एंड हमने हांगकांग में सबसे बड़ा झूल भी देखा था वहाँ पे हांगकांग में। हम तो ऐसे बहुत 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 सारी फैमिली ट्रिप्स पे जाते थे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे एक साथ। एंड हम लोग मनाली भी गए थे, वहाँ पे हमने याक राइड किया था, तो पापा मम्मा को कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं रीवा के साथ बैठूँगा, आप उस कान के साथ बैठो, मैं रीवा के साथ बैठूँगा। तो फिर हम पूरा आइस के ऊपर पूरा राउंड पे गए थे, एंड हम लोगों ने पूरे रास्ते बातें की, कितना अच्छा फ़ोटोज़ की थी, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया हमें मनाली में। एंड जब मेरी फर्स्ट एड आई थी, मैंने जब फर्स्ट काम किया था, तो डैड ने मतलब उसको लाइक आप बोल सकते हो 100 times ऑलमोस्ट देख ही लिया होगा कि ये, और सबको दिखा रहे थे कि ये देखो रीवा की एड है, रीवा की एड है, कितनी अच्छी है ना, कितनी अच्छी है ना। और बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। फिर कभी कभी शूट पे वो भी जाते थे ऐसे टर्न्स, मतलब कभी वो जाते थे शूट पे और मम्मा मसूदी के साथ रहती थी, कभी मम्मा शूट पे जाते थे और वो मसूदी के साथ रहते थे। जिस दिन मेरा शूट होता था ना, तब मतलब दोनों का डे ऑफ होता था, दोनों, एक मम्मा मसूदी का ध्यान रखती थी और पापा मेरे साथ जाते थे। एंड लोग मेरी फर्स्ट फिल्म का शूट करके आए थे, एंड मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ भी होने वाली थी जल्दी। तो फिर हम आए थे, देन उनके लेफ्ट लेग में ना ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था पूरे लेफ्ट लेग में, तो फिर उसको इंजेक्शन से, उनकी ट्रीटमेंट ही चल रही थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, एंड देन ऑल ऑफ सडन उनको बीच में फीवर हो गया, एंड आफ्टर फीवर वो वेंटिलेटर पर चले गए, एंड देन उसके बाद सर्वाइव। 5 days तक वो वेंटिलेटर पे रहे थे, एंड देन आफ्टर ही कुड सर्वाइव। मेरे पास उनके साथ बहुत सारी फोटोज हैं एज अ मेमोरी, तो मैं भी आप लोगों को भी